करती आ रही हूँ। हम परंपरा है ये आश्रम की, परंपरा वो जो मैं तय करूँ, अधिकार वो जो मैं बताऊँ। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियाँ चाहिए। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। दोस्तों, प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज आश्रम के सीजन 2 का तो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इंतजार भी लगभग 2 महीने के बाद खत्म हो गया था। लेकिन आश्रम सीरीज के तीसरे सीजन का इंतजार काफी लंबा हो चुका है। वाला आपको बता दें कि सीरीज 1 में बाबा के खिलाफ तो कई सारे राज खुलते हुए दिखाई दिए, तो वही सीजन 2 में बबीता और बाबा निराला के बीच काफी इंटीमेट बोल सीन्स दिखाए गए, जो कि सीजन 3 में भी दिखाए जाएंगे। वाला आज के हमारे स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं सीजन 3 से जुड़े स्टार कास्ट स्टोरी लाइन के बारे में और हाल फिलहाल हुए हंगामे को लेकर कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी एक बार फिर से आश्रम 3 को लेकर शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये स्टोरी खत्म हुई थी पम्मी के आश्रम के भाग जाने से और सत्य की मौत से। तो वहीं आश्रम से भाग जाने में अक्की पम्मी की मदद करने वाला है, जिसके बाद अक्की पम्मी को इंस्पेक्टर उजागर सिंह और साधु से भी मिलवाएगा ताकि पम्मी बाबा की सच्चाई डॉक्टर नताशा और उजागर सिंह को बता सके। तो वहीं अब ये सब मिलकर बाबा निराला के आश्रम की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जहां से इस कहानी में नया मोड़ आएगा। तो वहीं बबीता को जब उसके पति सत्य की मौत के बारे में पता लगेगा, तब वो बाबा निराला से इस बात का बदला लेने की भी कोशिश जरूर करेगी। इसके अलावा ईश्वर और सनोबर का राज भी इंस्पेक्टर उजागर सिंह के सामने आ जाएगा। इसके बाद बाबा निराला की पत्नी खुद सबके सामने आकर बाबा निराला का असली सच सबके सामने बताएगी कि बाबा निराला ढोंगी है, उसका असली नाम काशीपुर वाले बाबा निराला नहीं बल्कि मौंजी है। और साथ ही उनकी भी पत्नी ये भी खुलासा करेगी कि बाबा निराला पहले नशे का आदि था। मिल दोस्तों, इस गुत्थी को, इस सस्पेंस को कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ एक बार सुलझता हुआ दिखाया जाएगा, जिसकी शूटिंग इस वक्त भोपाल में हो रही थी। लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान ही बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा हंगामा कर डाला कि शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ गया। जी हाँ, आपको बता दें कि आश्रम 3 की पुरानी जेल में शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान 250 की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जेल परिसर में घुस आए, वहां हंगामा करने लगे। बात करने के लिए उन्होंने प्रकाश झा को बाहर बुलाया और इसी दौरान वो हद से ज्यादा हिंसक हो गए और प्रकाश झा के साथ मारापीटी करने लगे। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं से किसी तरह अलग कराया। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने परिसर में खड़ी वैनिटी वैन, कार, ट्रक, मिस्र के सामान, मशीनरीज को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब फिल्म टीम के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वेल, इस पर पुलिस ने अपनी जांच करने की बात भी कह डाली है। लेकिन इस वक्त बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने और उनके हेड ने भी ये बात साफ कर दी है कि प्रकाश झा या तो इस वेब सीरीज का नाम बदल दे या फिर स्क्रिप्ट की कहानी को ही बदल दे, क्योंकि इस वक्त ये सीरीज हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस तरीके की दलीलें इस वक्त बजरंग दल ने पेश की हैं। वाला आपको बता दें कि काफी ज्यादा मारपीट वाली, झगड़े वाली वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, बजरंग दल ने अपनी सीमाएं तब पार कर डाली जब उन्होंने मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा के ऊपर काली स्याही फेंक दी। वेल, इस बात का विरोध अभी तक प्रकाश झा ने नहीं किया है, उन्होंने बस इस बात को जैसे तैसे खत्म कर दिया है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की हरकत को सिर्फ और सिर्फ चेतावनी के रूप में लेने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस वेब सीरीज की शूटिंग फिर से इसी पैमाने पर शुरू की गई तो इस शूटिंग को वो लोग बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। वेल दोस्तों, देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर अब कैसे प्रकाश झा अपनी इस शूटिंग को पूरा करते हैं, किस तरीके से आश्रम 3 का नया ट्रेलर रिलीज होगा और किस तरीके से पूरी की पूरी वेब सीरीज फिर से रिलीज होगी। वेल, आपको एक बार फिर से बता दें कि वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी, जहां आप इसके सभी एपिसोड्स पूरी की पूरे दोनों सीजन फ्री में देख सकते हैं। फिलहाल इंतजार है आश्रम
वेब सीरीज के सीजन 3 का। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की बजरंग दल की हरकत को आपको सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 कई ऐसे लोगों का चेहरा सामने लेकर आने वाली है जो इसके पीछे गलत हरकतें करते हैं। इस पर आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।